अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को भारी नुकसान हुआ। अडानी के शेयर धराशायी होने लगे। इस रिपोर्ट के कारण अडानी के मार्केट कैप को 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो गया। लगातार 8 कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद अडानी के शेयरों ने आज यानी 7 फरवरी को जबरदस्त कमबैक किया है। अडानी ग्रुप के शेयर में स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% की तेजी के साथ अपर सर्किट पर पहुंच गए। अडानी के 10 शेयरों में से 2 को छोड़कर सभी शेयर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। यह अपडेट 7 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे तक का है। अडानी के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% तक उछल गए। कंपनी का शेयर 235.20 अंक चढ़कर 1807.50 रुपए पर पहुंच गया। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर आज 9.63% की तेजी के साथ 597 रुपए पर पहुंच गए। 7 फरवरी की दोपहर 2 बजे तक अडानी पावर के शेयर 0.52% की तेजी के साथ 183.40 रुपए पर पहुंच गए। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 1324.45 पर पहुंच गए। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 921.65 पर, अडानी विल्मर के शेयर 399.40 रुपए पर पहुंच गए। वहीं एनडीटीवी के शेयर 4.98% की तेजी के साथ 225.35 पर पहुंच गए। अडानी विल्मर के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा। अंबुजा सीमेंट के शेयर 392.40 पर पहुंच गए। अडानी के शेयरों में तेजी के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। अडानी ने लोन प्री पेमेंट की घोषणा कर निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप ने सोमवार को ऐलान किया कि वो कंपनीज के प्रपोटर्स लोन का प्री पेमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। अडानी समूह ने ऐलान किया कि वो अपने गिरवी रखे शेयरों को वापस छुड़ाने के लिए 1.11 अरब डॉलर के लोन्स का प्री पेमेंट करेंगे। आपको बता दें कि इस लोन की मैच्योरिटी सितंबर 2024 है। लंबा वक्त होने के बावजूद अडानी ने इन्हें पहले चुकाने का ऐलान किया। इस प्रीपेमेंट करके ग्रुप अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के गिरवी रखे शेयर वापस लेंगे। इस ऐलान से निवेशकों को भरोसा अडानी समूह पर एक बार फिर बढ़ा है, जिसका असर आज बाजार खुलने के बाद देखने को भी मिला। लोन प्रीपेमेंट का फैसला करके अडानी समूह ने निवेशकों को भरोसा जीत लिया है। जो निवेशक अडानी पर भारी कर्ज और संपत्ति में गिरावट के कारण चिंता में थे, उनकी चिंताएं इस घोषणा से कम हुई है। निवेशकों की चिंताओं को शांत करके अडानी समूह ने निवेशकों के विश्वास को जीत लिया है। वहीं जिन बैंकों ने अडानी को लोन दिया है, उन्होंने भी कंपनी पर भरोसा दिखाया है। SBI, एक्सिस, PNB जैसे बड़े बैंकों ने कहा कि अडानी ग्रुप में कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है। बैंकों के भरोसे ने भी निवेशकों को विश्वास बढ़ाने में मदद की। जो लोग सोच रहे थे कि कंपनियां दिवालिया हो जाएगी, वो गलत साबित हुए। इस हफ्ते अडानी समूह की कई कंपनियों की रिपोर्ट आने वाली है। अडानी की कई कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, NDTV जैसी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते घोषित होने वाले हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।